हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं, हमारा जो ब्रिज कोर्स है उसमें आज हम क्लास 9th का साइंस का जो है पहला टेस्ट नंबर 1 आज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 15 मार्क्स का है। ये हिंदी मीडियम में है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल्स पे अदर इंग्लिश और मराठी मीडियम में इजीली अवेलेबल है, लेकिन हिंदी मीडियम में जल्दी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करके मैंने ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए ये बनाया, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है कि बताओ मैं कौन हूँ। तो इसमें है कि मैं एक परिपथ में कंडक्टर तार में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने का कारण बनता हूँ। इसका उत्तर होगा विभवांतर। ठीक है, पहले में ही दूसरा प्रश्न है, ये पूरा पहला प्रश्न 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे दूसरा है कि मैं लोहे की कीलों को चुम्बक से चिपका देता हूँ। तो इसका आंसर होगा चुंबकत्व। चुंबकत्व वह गुण है जो किसी भी चीज़ को चिपकाने या आकर्षित करने का कार्य करता है, तो ये चुंबकत्व होगा। ठीक है, उसके बाद इसी में तीसरा है कि मेरे पास धात्विक तथा अधात्विक गुण है। तो जिसमें धातु और अधात्विक दोनों गुण होते हैं उसे उपधातु बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपधातु। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न दिया, जो कि 3 नंबर के लिए, इसमें 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं। इसमें दिया है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये चित्र दिया गया है, इसमें से कुछ प्रश्न बनाए कि आकृति में तत्व का नाम लिखिए। तो चूंकि आकृति में तत्व का नाम है सोडियम, क्यों सोडियम है? क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। क्यों? इस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11। हम 11 से जान जाते हैं कि इसमें जो है जो तत्व है वो सोडियम है। ठीक है, इसके बाद इसी क्रम में तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि इस परमाणु की दूसरी कोशिका का नाम बताइए तथा इस दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरी पहली कोशिका ये है, दूसरी ये है, ये तीसरी है। तो KLM, तो पहली का नाम K है, तो दूसरी का नाम क्या हो जाएगा? L। तो इसका आंसर हो जाएगा L कक्षा, दूसरी कोशिका यानी दूसरी L कक्षा होगी। अब दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली में तो 1 और 2 है, दूसरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 प्रश्न इसमें बनते हैं, दोनों का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि 3 नंबर के लिए है। इसमें दिया है कि नींबू का शरबत किस प्रकार का मिश्रण है, इसमें क्या सामग्री है? तो इसका आंसर होगा कि नींबू का शरबत समांगी मिश्रण है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और असमांगी। समांगी मिश्रण में जो कोई भी चीज़ मिलाओ तो अच्छे से घुल जाता है, उसको समांगी बोलते हैं, और विसमांगी में जो है अच्छे से नहीं घुलता है। जैसे बालू और पानी को मिलाएंगे तो बालू पूरी तरह से घुलता नहीं है, जबकि चीनी और पानी को मिलाएंगे तो अच्छे से घुल जाएगा। तो इसलिए ये समांगी मिश्रण होगा। और इसमें क्या सामग्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा नींबू, शक्कर और पानी, ये इसमें सामग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए क्या दिया, असंगत पहचानो, चौथा प्रश्न है, जो कि 2 नंबर के लिए है। क्या है असंगत? नमक, सोडा, कपूर और नीला वाइट्राइल। ठीक है, वाइट्राइल क्या होता है इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता, नीला वाइट्राइल है। तो यहाँ पे देखो, इसमें कपूर असंगत है, ये वाला जो कपूर है ये असंगत है। क्यों? क्योंकि अन्य अकार्बनिक यौगिक है, केवल कपूर ही एक कार्बनिक यौगिक है, बाकी के अन्य अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न है कि सोडियम, जिंक, क्लोरीन और कैल्शियम, इसमें असंगत अगर पहचानना होगा तो क्लोरीन असंगत होगा। क्यों? क्योंकि बाकी के जो है सोडियम, जिंक और कैल्शियम, ये कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन क्लोरीन नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न पर आते हैं, जो कि 2 नंबर के लिए, एक तालिका। इसमें प्रश्न दिया है कि दी गई तालिका पूर्ण करो। तो तालिका में 2 प्रश्न दिए, 2 उदाहरण दिए हैं, उसका आंसर करना है किस प्रकार का ये जड़त्व है। तो पहला है कि पैडल बंद कर देने पर भी साइकिल चलती रहती है, तो इसमें किस प्रकार का जड़त्व है? इसमें गति का जड़त्व है। ठीक है, और दूसरा दिया है कि पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता, तो इसमें किस प्रकार का जड़त्व है? इसमें विराम का जड़त्व है। ठीक है, विराम का जड़त्व तो मतलब कोई भी चीज़ पे कितना भी बल लगाओ लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो उसमें विराम का जड़त्व होगा। और किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा भी बल लगाओ और वो गतिमान रहता है तो वो गति का जड़त्व कहलाता है, इस तरीके से होता है। आखिरी प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड, पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत से लोगों को हिंदी मीडियम की ज़रूरत होगी ऐसे वीडियो की, तो उनको शेयर कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 6, जो कि 2 नंबर के लिए है। निम्नलिखित आकृति में किस वस्तु पर बल और क्षेत्रफल को दर्शाया गया है? किसी वस्तु पर
बल और क्षेत्रफल को दर्शाया गया है, इसमें आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा, यहाँ पे देखिए ये एक पट्टी रखी हुई है जिसपे बुक को फैला कर रखा गया है, और एक यहाँ पे वही पट्टी है और उसको बुक को एक के ऊपर एक करके रखा गया है। तो इसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या है? तो चूंकि हमारे जो सब्जेक्ट में दिया है कि बल हमेशा क्षेत्रफल के प्रतिलोमानुपाती होता है, प्रतिलोमानुपाती होने का मतलब है कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है? तो जब बल बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो बल बढ़ेगा। तो देखो क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर उसी बल का दाब कम हो जाता है, ठीक है, और क्षेत्रफल कम होने पर उसी बल के दाब में वृद्धि होती है। तो देखो ये क्षेत्रफल जब बढ़ गया, इसको फैला कर रख दिया गया, तो इसका बल क्या होता है? कम हो गया। और जब क्षेत्रफल कम हो गया, देखो क्षेत्रफल कम होने पर बल के दाब में वृद्धि होती है, क्षेत्रफल कम हो गया तो बल का दाब में वृद्धि हो गई, और जब इस पे दाब लगा तो ये पट्टी जो है नीचे मुड़ जाती है। तो वही यहाँ पे लिखना है कि दाब में वृद्धि होती है। चित्र में क्या दिया है? चित्र में पुस्तक, चित्र बी में पुस्तक कम क्षेत्रफल में है जिसके परिणाम स्वरूप दाब अधिक है और पट्टी मुड़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।